कि अगर शिक्षा मंत्री सामने आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि न सिर्फ वारदात वाले दिन बल्कि उससे पहले 15 दिन का भी सीसीटीवी फुटेज मिला ही नहीं। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। ये किसकी जिम्मेदारी, यहाँ किसकी जवाबदेही तय हो जानी चाहिए थी अब तक, जो नहीं हुई है कृष्णा हेगड़े जी? मानो जी ऐसा है कि जो हम गवर्नमेंट है ये पूरा केस इन्वेस्टिगेट कर रही है और बहुत ही सच्चाई से इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आरोपी जो है वो जेल में है, उसके ऊपर रेप का चार्ज लगाया है, पॉक्सो का चार्ज लगाया है, जो अधिकारी है जिन्होंने देरी की केस फाइल करने में उनको हमने सस्पेंड किया है, जो टीचर्स है उसको सस्पेंड किया है, जो प्रिंसिपल है उसको सस्पेंड किया है, स्कूल के ऊपर हमने एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया है और जिससे ये लापरवाही हुई है वो प्रिंसिपल के ऊपर भी पॉक्सो केस हम लगाएंगे और जो क्लास टीचर है उसके ऊपर भी हम पॉक्सो केस लगाएंगे। तो सरकार जो है ये पूरी कार्रवाई कर रही है। एकनाथ शिंदे जी की सरकार एक्शन वाली सरकार है, ना कोई उद्धव ठाकरे जी की सरकार जहाँ पर 100 करोड़ रुपए की वसूली उन लोग कर रहे थे, हर महिला लेडीज बार से और उद्योगपतियों के घर के नीचे बॉम्ब रख रहे थे, डेवलपमेंट काम रुका रहे थे और कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकमेल करके उनसे पैसा ले रहे थे, ऐसी हमारी सरकार नहीं है। ठीक, हमारी तो सरकार, मुझे लगता है आनंद दुबे जी के पास चलते हैं ना। आनंद दुबे जी, उन्होंने गिना दिया किस तरीके से आरोपी जो है वो सलाखों के पीछे है और वो पॉक्सो एक्ट लगाएंगे बाकी लोगों पर भी, और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि गहराई से इस मामले की जांच हो रही है, सारी खामियां हम सामने लेकर आ रहे हैं, उस पर एक्शन होगा। फिर आप लोगों की तरफ से क्यों आरोप लगाया जा रहा है कि स्कूल प्रबंधन पर मेहरबान है शिंदे सरकार, और क्यों आप लोग स्कूल मैनेजमेंट जो है उसका कनेक्शन बीजेपी से लेकर आरएसएस तक गिना रहे हैं? आनंद दुबे जी, रोमाना जी नमस्ते। देखिए, बहुत ही संवेदनशील मामला है, मैं इस पर बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहता। सरकार में बैठे लोगों को जो आरोप लगाने वो लगा सकते हैं, अगर हम इन पर कोई बात कहते हैं, आज की वर्तमान की बात कहते हैं, तो ये इतिहास में ले जाते हैं, अतीत में ले जाते हैं, इतने गंभीर मामले पर शर्म आनी चाहिए। आज मामला 14 अगस्त को अगर घटता है और अगर 20 अगस्त तक उस पर कोई FIR दर्ज नहीं होती है, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है, हजारों लोग सड़कों पर आते हैं, आंदोलन करते हैं, उसके बाद दबाव में FIR होती है, आरोपी की धरपकड़ होती है, CCTV फुटेज नहीं मिलते हैं और जो आंदोलनकारी उन्हीं के ऊपर FIR कर दी जाती है, स्कूल से जुड़े हुए ट्रस्टी किसी न किसी राजनीतिक दल के बताए जाते हैं, पूर्व नगराध्यक्ष कहता है पत्रकार को कि आपके ऊपर बलात्कार हुआ है क्या, आप अफवाह क्यों फैला रही है। जब इतनी गंदगी सामने से विचारधारा बनकर आ रही हो रोमाना जी, तो फिर हमें कोई कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों ही घटनाओं पे शर्मसार हुआ है भारत, चाहे पश्चिम बंगाल हो और चाहे महाराष्ट्र हो। हमें इसमें पार्टियों की राजनीति नहीं करनी है, जाति धर्म की राजनीति नहीं करनी है, जो दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सजा कब मिलती है, जब सब दुनिया के सामने दबाव बन जाता है, तब। कहीं CBI एंट्री कर रही है, कहीं पुलिस एंट्री कर रही है, कहीं CID एंट्री कर रहे हैं, कहीं जनता जन आक्रोश कर रहे हैं, उसके बाद क्यों भाई? आप सरकार में बैठे हैं, आपका दायित्व तो है कि CCTV फुटेज एक दिन के नहीं, पिछले एक साल के पहले का भी मांगा जाए तो आपके पास होना चाहिए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, वरना स्कूल का जो निलंबन होता है वो करिए, आप स्कूल को सस्पेंड करिए, उसकी मान्यता रद्द करिए, जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं उसको दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करिए। ये सब सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन जब इनसे बात करो तब ये अतीत में ले जाते हैं। रोमाना जी, आपके चैनल पे बता दो, आप ये मांग कर रहे हैं कि स्कूल का जो रजिस्ट्रेशन है वो खत्म होना चाहिए, स्कूल की मान्यता रद्द की जानी चाहिए, आप ये मांग कर रहे हैं। आनंद दुबे जी, आप ये मांग कर रहे हैं जी, एक सेकंड, बहुत बहुत जरूरी बात रोमाना जी, रोमाना जी बहुत जरूरी बात कह रहा हूँ, पूछ रही हूँ। अभी अभी सिंधुदुर्ग से खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जिस पुतले का उद्घाटन किया था, आज वो गिर गया है, कोलैप्स हो गया है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। हमारे देवता, हमारे महापुरुषों का भी हम सम्मान नहीं कर पा रहे इस महायुति सरकार में। वो PWD के ठेकेदार कौन है, वो कौन भ्रष्टाचारी अधिकारी है, तहसीलदार बड़े बड़े अधिकारी, आप जो बात कह रहे हैं, देखिए मेरे पास अभी मेरे पास इस खबर की जानकारी नहीं है। आप जो कह रहे हैं मेरे पास इस खबर की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर यहाँ पर बता दूं कि फिलहाल मैं ये होता हुआ देख रही हूँ अपने आंखों से, और आप सब इस पर सहमति देंगे अपनी
कि भ्रष्टाचार की वजह से फिलहाल जो जीती जागती देवी है, जो इस देश की महिला है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं असुरक्षित और वो यहाँ पर कहीं ना कहीं रेप से लेकर हत्या तक की शिकार हो रही है। क्योंकि एक के बाद एक कोलकाता से लेकर बदलापुर तक ये सिस्टम ही है अनुमा आचार्य जी जो फेल कर रहा है इस देश की बेटी को। देखिए, जब महिलाओं पर अत्याचारों की बात होती है तो मैं हूं, आप हूं, इस देश की कोई भी महिला है, इस देश की कोई भी बेटी है, एक साथ होना चाहिए। लेकिन बदलापुर केस में अगर आप इसे देख सके तो वाकई जो दो लोग हैं, पाटकर, नंदकिशोर पाटकर और तुषार आप्टे, ये उस ट्रस्टी में है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के लोग हैं ये। और इसीलिए अगर आपको याद हो तो इस जो पॉक्सो एक्ट लगा है, ये अभी लगा है 22 तारीख को, जब मुंबई की कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, जस्टिस रेवती मोहिते ने और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान ने इंटरवीन किया था। यहाँ कोई सीबीआई नहीं बिठाई गई। जैसे ही शिंदे ग्रुप ने कहा कि हम ऐसी सरकार नहीं है, वैसी सरकार नहीं, हम ठीक से जांच करेंगे, उसका भी इतिहास देखिए ना, 12 तारीख को घटना हुई, 16 तारीख की रात के 12 बजे, मतलब 2 बजे के बाद 17 तारीख को टेक्निकली उसकी रिपोर्ट लिखी गई। तो इतनी सारी चीजें हैं जो साफ बताती हैं कि महाराष्ट्र की सरकार ने इसे हश हश करने की कोशिश की थी। सीसीटीवी कैमरा खराब है ये कहते हुए दीपक केसरकर को शर्म आना चाहिए, क्योंकि इसके पहले वो कह रहे थे कि लगाए जा रहे हैं। और इतने सारे लोगों को जो सत्याग्रह कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, उन पर एफआईआर करा दी। कलकत्ता के केस को देखिए, वहां सीबीआई है और पिछले 7 दिनों से कोई आगे नहीं बढ़ पाई है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो केस है, इसमें बदलापुर वाले में कोई सीबीआई की जांच नहीं है, कुछ नहीं है, और कलकत्ता में। तो ये व्हाट अबाउट रीज क्यों आ रही है? अगर बात देश की महिलाओं की है, देश की बेटियों की सुरक्षा की है, तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर सीबीआई एक जगह है तो दूसरे जगह भी सीबीआई की जांच हो। क्योंकि क्या होता है, शुरुआत में कोई केस होता है और उठा के उसका मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया जाता है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती है, वहां लगातार कुछ ना कुछ चलता जाता है। अलग केस की बात कर रही हूं, सुशांत सिंह राजपूत के केस के समय एक दूसरी सरकार थी, उस समय बिहार चुनाव तक उस केस को इतना ज्यादा जिंदा रखा गया और आज कोई बात ही नहीं करता। तो इस तरह से हम नहीं चाहते कि हमारी बेटियों पर होने वाले अत्याचारों के केस इस तरह से पीछे चले जाएं। अगर हमने एक बार उस पे काम करना शुरू किया है तो जब तक अपराधी को सजा नहीं मिलती तब तक आपका और हमारा दायित्व है कि हम इस मुद्दे को मरने ना दें। ठीक है, एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।